नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, समर्स आर हियर एंड सो इज आर डियर फ्रेंड मैंगो। अब मैंगो की तो हजारों रेसिपीज बनती हैं। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं दो इंस्टेंट अचार। जी हां, एक गुजरात से है जिसका नाम है चुंदा। ऐसे नाम पे मत जाइए, है बहुत टेस्टी, खट्टा मीठा तीखा मजेदार। दूसरा मैं बना रहा हूँ एक झटपट इंस्टेंट मैंगो पिकल, जो कि एक तड़का देके बनेगा, मजेदार चटपटा पिकल बनेगा, दाल चावल के साथ तो बहुत मजेदार लगेगा। चलिए बनाते हैं इंस्टेंट मैंगो पिकल्स टू वेज। मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आप बेल आइकन दबा लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि तीन रेसिपीज, जो नई नई रेसिपीज हर हफ्ते हम आपको देते हैं, वो आ गई, और उसी तरीके से आप और मैं जुड़े रहेंगे। वैसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आम को सबसे पहले पील कर लेना है। अब यहाँ पर हींग वाले अचारों के लिए मैंने छोटे वाले आम लिए हैं और इन्हें अब मैं काट लूँगा। मेन चीज़ यह है कि इन्हें ऑलमोस्ट इक्वल शेप्स में, साइजेस में काटना है, और जो इसकी गुठली है वो अगर आप घर पे नाइफ से नहीं काट सकते तो बाहर बाजार से कटवा के ला सकते हैं। अब ये इक्वल साइजेस में कट गए हैं, अब इसका अचार बनना शुरू होगा। अब ये जो आम है इसे एक बोल में निकाल लिया जाए और सबसे पहले इसमें नमक का ट्रीटमेंट दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि नमक डालते ही आम पानी छोड़ता है और हमें इसका एक्सेस पानी जो है उसके साथ रखना नहीं है। मेक श्योर करना है कि वो निकले ताकि वो तेल में जाके पक जाए। लाल मिर्च का पाउडर, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हींग डाल के 5 से 10 मिनट इसे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा पानी इसमें से जो निकलेगा वो हेल्प करेगा अचार की कंसिस्टेंसी में। अब ये बना रहे हैं हम साउथ इंडियन स्टाइल अवाकाई पिकल। अवाकाई मतलब मैंगो। अब यहाँ पर जो हमने अभी तक काम किया है ना, इसमें नमक डाली है, मिर्च डाला है, हींग डाला है, इससे आम वैसे ही पकना शुरू कर देता है। तो अगर आप इसे एक दो दिन छोड़ दोगे ना, तो ये बहुत बढ़िया हींग मिर्ची का अचार बन जाता है, जिसको यूपी में हिंगास्टर भी कहा जाता है। वैसे ये एक अचार रेडी है, मतलब आप इसे एक दिन बाद खाएंगे बिल्कुल रेडी हो जाएगा। दूसरा अचार के लिए यहाँ पर हमने तेल गर्म कर लिया है और उस तेल में, गर्मा गर्म तेल में डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, करी लीफ, और फिर तेल के टेम्परेचर को ल्यूकवार्म होने तक ले आएंगे। फिर उसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर और वो पूरा का पूरा मिक्सर जाएगा इसके अंदर। सोचो, मतलब मजा आने वाला ना। इंस्टेंट वाला तो है, बढ़िया भी है। वैसे महाराष्ट्र में एक वर्ड है कड़कड़ित, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कड़कड़ करेंगे ना जाके मस्टर्ड सीड्स। तो एक बड़ा चम्मच इस कड़कड़ित तेल में डाल देते हैं कड़कड़ करने के लिए। कड़कड़ित साथ में थोड़ा सा करी पत्ता भी कड़कड़ित। गर्मा गर्म तेल में मस्टर्ड सीड्स और करी लीफ को पका लिया, उसके बाद तेल को कर लिया ठंडा। ठंडा मतलब ल्यूकवार्म। अब उसके बाद इसमें डालो दो चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, जिसमें कलर ज्यादा हो, यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च, स्पाइसीनेस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। और फिर उसके बाद इसे मिला जुला के वो आम का मिक्सर हम डालेंगे वापस। हल्का सा एक मिनट वापस से गैस चालू करके जो थोड़ा बहुत इसका मॉइस्चर है वो उड़ाना है बस, और ये तैयार। जी हाँ भाई और बहनों, ये आम का अचार तैयार है, बिल्कुल इंस्टेंट वाला। अब इसे ठंडा करना है और फिर एक बोतल में डालना है। गर्म डाल देंगे खराब हो जाएगा, इसलिए ठंडा कर लीजिए। अब एक इंस्टेंट अचार तो तैयार हो गया, इसको हमें बस ठंडा करना है और फिर एक बर्नी में भर देना है। अब दूसरा जो है चुंदा। सबसे पहले राजापुरी आम को हमने छील लिया है, अब इसे मोटा मोटा कद्दूकस करना है। कद्दूकस मतलब ग्रेट, ये कद्दू नहीं है, आम है। चुंदा के लिए आम को जो ग्रेट करने का प्रोसीजर होता है वो सबसे लंबा होता है। अब ये ग्रेट हो चुका है, अब इसमें मिलाई जाएगी चीनी। जी हाँ, अब जितना आम उससे डेढ़ गुना चीनी, यानी कि अगर एक किलो आम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक किलो 500 ग्राम चीनी का पाउडर तैयार होना चाहिए। मीठा ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर जो खटास है ना वो न्यूट्रलाइज होनी चाहिए। तो चलिए अब चीनी मिलाने का काम शुरू करते हैं। चीनी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके मिलाई जाएगी, एक साथ आप चीनी मिला देंगे तो पूरी तरह से मिक्स नहीं होगी। थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी भी इसमें डालेंगे, इससे कलर इसका बहुत बढ़िया हो जाता है। अब इसे हाथ से मिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि चुंदे का पानी जो है वो पूरी तरह से छूट रहा है। लेकिन मेक श्योर कि आपके हाथ अच्छे से साफ हैं, नहीं तो आपका जो चुंदा है वो ख़राब हो जाएगा। वैसे कोई भी फल फ्रूट जो है वो नमक से पानी छोड़ता है,
लेकिन आम जो है वो चीनी से भी पानी छोड़ता है। तो जैसे ही चीनी हमने डाली है इसमें आप देख रहे हैं कि ये पानी छूटना शुरू हो गया है। अब ये सारी की सारी चीनी जो है इसमें इनकॉर्पोरेट कर ली जाए। और इसे 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। चीनी की वजह से ये चुंदा जो है पानी छोड़ेगा और फिर उसे हम पकाएंगे। अब चुंदे का मिक्सचर 10 मिनट के अंदर पानी छोड़ देगा। अब उसमें हम डालेंगे मसाले, जिसमें मैं डाल रहा हूँ सबसे पहले 3 चम्मच छोटे वाले लाल मिर्च पाउडर के, साथ में चुटकी भर हल्दी, साथ में 1 चम्मच जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। अब इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि चुंदे के फ्लेवर में लवंग और सिनेमन का फ्लेवर भी होता है, इसलिए उसे भी हम डाल देंगे और ये सारे मिक्सचर को साथ में पकाएंगे। और 2 सिनेमन, 8 से 10 लवंग। अब चुंदे के मिक्सचर में सारे खड़े मसाले और सूखे मसाले मिला लिए गए हैं। अब इसे पकाया जाएगा। वैसे आइडियली धूप में पकता है, 5 से 7 दिन लगते हैं कड़ी धूप में, अगर धूप ज़्यादा कड़ी नहीं है तो 10 दिन भी लग सकते हैं। और इसे बीच बीच में निकाल के हिलाना ज़रूरी है। आप इसे एक मर्तबान में डालें, ऊपर से एक मलमल का कपड़ा लपेटें और इसे धूप में रख दें। ये तो है धूप वाला फंडामेंटल। अब अगर धूप की पेशेंस आपको नहीं है तो गैस पे पकाते हैं। कच्चा आम अपना पानी छोड़ता है, लेकिन हल्का सा पानी हम इसमें और लेंगे, हल्का सा बिल्कुल, ताकि आम जो है वो जले नहीं चीनी के साथ। अब इसे हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट तक पकाना है, जब तक आम के लच्छे जो हैं वो थोड़े से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये थोड़ा सा और लिक्विडी होगा और फिर उसके बाद चाशनी से गाढ़ा हो जाएगा। अब चुंदा जब तक पकेगा, जब तक ये चाशनी जो है ना गाढ़ी नहीं हो जाती। अब ये गाढ़ी चाशनी देखने का यही तरीका है कि आप जब इसे हिलाएंगे तो हिलाते हुए जो ये लिक्विड है ना वो एक साथ आने में थोड़ा समय लेगा। अगर एकदम से साथ में आ रहा है इसका मतलब अभी भी पतला है। चुंदे को अच्छे से पका लिया गया है और 10-15 मिनट ठंडा कर लो, चाहे पंखे के सामने चाहे एसी में, और अगर वैसे नहीं तो हिला हिला के ठंडा कर लो। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गरम अचार या गरम चुंदा को आप किसी बॉटल में डालेंगे तो कंडेंसेशन होगी, मतलब वेपर्स होंगे, मतलब मॉइस्चर आएगा। मॉइस्चर मतलब अचार का दुश्मन। तो यहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि ये बढ़िया से एकदम लच्छेदार चुंदा थिक हो गया है, ठंडा हो गया है। अब इसे बॉटल में डाला जाए और स्टोर कर लिया जाए। उसके बाद पराठे हो, चाहे थेपले, चाहे दाल चावल, मज़ा बहुत आने वाला है। देखते ही देखते 2 इंस्टेंट अंबी अचार तैयार। अब इन गर्मियों में आप अगर नहीं चाहते कि लंबी देर तक धूप में अचार पके फिर आप खाएं, तो ये रेसिपी बनाएं, क्योंकि ये है mazedar.com यानी कि शेफ अजय चोपड़ा चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और ये अचार अपने घर में बना लीजिए। सी यू सून। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।